Good afternoon, students. This is Ritika Shingadeo from the Department of Electronics and Communication Engineering from Silli Polytechnic. And today we are discussing on the subject digital communication, and our topic will be compounding. Okay, so let's start. Everyone, please join first. बाकी सब कहाँ है? जल्दी ज्वाइन करने बोलो. बाकी सबको जल्दी ज्वाइन करने बोलो. आज इतना अटेंडेंस कम क्यों है? खाली चार जन प्रेजेंट हो और कोई प्रेजेंट नहीं? थोड़ा सा वेट करते हैं और उसके बाद स्टार्ट करते हैं. ओके, मेरा वॉइस क्लियरली ऑडिबल है? यस मैम. मैम, लास्ट क्लास का वीडियो रिकॉर्डिंग मैम यूट्यूब पे है क्या आपका? हाँ, लास्ट क्लास का हाँ है. लिंक चाहिए? यस मैम. ओके, लिंक हम शेयर कर देंगे. मेरे को व्हाट्सएप में हाई करके रख लो, हम लिंक शेयर करेंगे. ओके मैम. ओके, ओके. ओके, तो स्टार्ट करते हैं. तो लास्ट डे हम लोग का जो डिस्कशन हुआ था वो हुआ था अबाउट क्वांटाइजेशन एंड क्वांटाइजर्स. तो क्वांटाइजेशन जो है उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या था कि हम लोग थोड़ा शुरू से अगर शुरुआत करें या फिर थोड़ा पिछला जो है उसको अगर इनिशियली ले, तो बेसिकली क्या है कि मेरे पास जितने सारे सिग्नल्स है जो कि नेचर में जनरेट होता है या फिर जो नेचुरली जो सब सिग्नल्स जनरेट होते हैं सारे क्या है, मेरा एनालॉग सिग्नल है. ठीक है, अब क्या करना है, अभी मेरा क्योंकि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और उसका एडवांटेज के कारण अभी उसका जो प्रोसेसिंग है वो क्या है, इन द डिजिटल प्लेटफॉर्म करना है. तो इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है कि कोई भी एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करना पड़ता है. तो फॉर दिस कन्वर्शन पर्पस हम लोग क्या करते हैं, कुछ कुछ प्रोसेसेस को हम लोग कुछ कुछ प्रोसेस के थ्रू उस सिग्नल को जाना पड़ता है. तो सबसे पहला था मेरा क्या था, सैम्पलिंग था, और दूसरा था क्वांटाइजेशन, जिसमें सैम्पलिंग्स में हम लोग क्या करते थे, एक एनालॉग सिग्नल को या फिर एक कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल को हम लोग क्या करते थे कि उसको हम लोग डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में कन्वर्ट करते थे, और सैंपल्स का और अलग अलग सैंपल्स में उसको कन्वर्ट कर देते थे. उसके बाद हम लोगों ने फिर क्या किया, उसके बाद हम लोग क्या किए कि उस सिग्नल को हम लोग क्वांटाइज किए, क्वांटाइजेशन क्वांटाइज किए या फिर उसको क्वांटाइजेशन का जो प्रोसेस है उसके थ्रू हम लोग उस सिग्नल को ट्रीट किए या फिर उसको प्रोसेस किए. तो क्वांटाइजेशन में हम लोग क्या करते हैं कि जो हर एक सैंपल होता है, हर एक सैंपल को हम लोग एक एक लेवल डिफाइन करते हैं, एक स्पेसिफिक लेवल डिफाइन करते हैं. और क्वांटाइजर क्या है, जो जो सर्किट से जिस सर्किट के थ्रू हम लोग ये जो काम है क्वांटाइजेशन का करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं क्वांटाइजर. ठीक है, अब क्वांटाइजेशन जो है वो दो टाइप का हो सकता है, एक यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन, एक होता है नॉन यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन. ऑब्वियसली अगर यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन होगा तो बेसिकली क्वांटाइजेशन में एक सेकेंड हम्म
क्वांटाइजेशन में नॉर्मली और बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग सैम्पलिंग करते हैं तो सैम्पलिंग में मेरा क्या होता है, सैम्पलिंग में ये जो मेरा एक्स एक्सिस है, टाइम एक्सिस जो है, टाइम ये जो है, यहाँ पे अगर हम लोग कोई भी सिग्नल लेते हैं तो मेरा क्या है, इफ दिस इज माई सिग्नल लाइक दिस, पूरा ड्रॉइंग अच्छे से नहीं हुआ, एनीवेज इफ दिस इज माई सिग्नल, तो क्या है, जब हम लोग क्वांटाइजेशन करते हैं तब हम लोग क्या करते हैं कि ये जो y एक्सिस है, y एक्सिस को अलग अलग लेवल के हिसाब से डिफाइन करते हैं या फिर अलग अलग लेवल के हिसाब से डिवाइड करते हैं, और जब हम लोग सैम्पलिंग करते हैं तब हम लोग क्या करते हैं कि ये जो मेरा x एक्सिस है, जो मेरा टाइम एक्सिस है, उस टाइम एक्सिस के को हम लोग अलग अलग टाइम स्लॉट में डिवाइड करते हैं और कुछ टाइम स्लॉट्स में, और इक्वल जो मेरा इंटरवल है, इक्वल इंटरवल में हम लोग क्या करते हैं कि कहीं पे हम लोग उस सिग्नल का एम्पलीट्यूड का वैल्यू को काउंट करते हैं और कहीं पे हम लोग उस सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड है उस एम्पलीट्यूड का वैल्यू को हम लोग काउंट नहीं करते हैं। यही था बेसिकली सैम्पलिंग। अब क्वांटाइजेशन में जब हम लोग ये वाई एक्सिस को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करेंगे या फिर अलग अलग लेवल के हिसाब से डिवाइड करेंगे, और हम लोग क्या करते हैं क्वांटाइजेशन में हम लोग क्या करते हैं कि जो मेरा मैक्सिमम सिग्नल लेवल है या फिर जो वाला, बेसिकली हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि जो सिग्नल का मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है उसको हम लोग हाईएस्ट लेवल कंसीडर करते हैं, उसके हिसाब से स्केलिंग करते हैं, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि उस सिग्नल को हम लोग अलग अलग लेवल डिफाइन करते हैं। ठीक है, अगर मेरा हाईएस्ट जो एम्पलीट्यूड है उसको अगर हम लोग 10 बोलेंगे, 10 वोल्ट्स या फिर 10 उसका लेवल अगर 10 बोलेंगे, और रिमेनिंग जो पोर्शन है मतलब उसको अगर अलग 10 डिफरेंट 10 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, और हर एक लेवल को हम लोग लेवल 1, 2, 3, 4 भी कर सकते हैं, या फिर इक्वल अगर 5 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो हर एक लेवल मेरा 2 वोल्ट का या फिर 2 यूनिट का हो जाएगा, उसके तरह से भी हम लोग उसको कर सकते हैं। तो ये होता है मेरा यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन। या फिर हम लोग और एक चीज कर सकते हैं, दैट इज नॉन यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन। तो नॉन यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन में क्या होता है, इन द नॉन यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन उसमें क्या होगा, ऑब्वियसली जो नॉन यूनिफॉर्म है तो उसका नाम से ही पता चलता है कि यहाँ पे कोई भी यूनिफॉर्मिटी या फिर कोई यूनिफॉर्म नेचर उसका मेंटेन नहीं होता है। तो इसके लिए और यही जो नॉन यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन है, इसी चीज को हम लोग बोलते हैं कंपाउंडिंग। तो देखो यहाँ पे क्या बोला गया है कि एज वी नो दैट कंपाउंडिंग इज नॉन यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन, इट इज रिक्वायर्ड टू बी इंप्लीमेंटेड टू इंप्रूव द सिग्नल टू क्वांटाइजेशन नॉइज रेशियो टू वीक सिग्नल। तो ये जो कंपाउंडिंग का प्रोसेस है, ये कंपाउंडिंग का प्रोसेस बेसिकली कंसिस्ट ऑफ टू वर्ड्स, दैट इज कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन। ठीक है, आगे चल के हम लोग इस नोट्स में भी लिखा हुआ है, हम लोग देखेंगे कि कंपाउंडिंग जो है, कंपाउंडिंग इट्सेल्फ कंसिस्ट ऑफ टू वर्ड्स, वन इज कंप्रेशन एंड सेकंड वन इज एक्सपेंशन। तो बेसिकली इन द कंपाउंडिंग व्हाट हैपेंड कि क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन मींस यहाँ पे कुछ कुछ मतलब जो लेवल्स है सैंपल्स का, हर एक सैंपल्स का जो लेवल्स है, वो सैंपल्स का जो लेवल्स है वो डिफरेंट है। तो ऑब्वियसली जो जिसका लेवल कम है मींस वो क्या है, एक वीक पोर्शन ऑफ सैंपल्स है या फिर कुछ वीक सिग्नल्स भी उस पे है, और जिसका सिग्नल लेवल हाई है मींस जो स्ट्रॉन्ग सिग्नल है उस वो भी वहां पे है। तो बेसिकली इन द कंपाउंडिंग व्हाट हैपेंड कि हम लोग जो वीक सिग्नल है, मतलब दोनों को एक हम लोग नॉर्मलाइज रेशियो में लाते हैं, जो मेरा वीक सिग्नल है उसको हम लोग थोड़ा ज्यादा बूस्ट करते हैं, जो मेरा मतलब क्या बोलेंगे, जो मेरा स्ट्रॉन्ग सिग्नल है उसको थोड़ा हम लोग कम बूस्ट करते हैं, और फाइनली हम लोग क्या करते हैं उसको हम लोग ट्रांसमीटर के थ्रू ट्रांसमिट करते हैं, और रिसीवर सेक्शन में इसका जस्ट ऑपोजिट चीज होता है। तो चलो यहाँ पे तो यही क्या है, ये जो उसका जो क्वांटाइजेशन जो का जो नॉइस का जो रेशियो है उसको बेसिकली इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। सो इट इज रिक्वायर्ड टू बी इम्प्लीमेंटेड टू इम्प्रूव द सिग्नल टू क्वांटाइजेशन नॉइज रेशियो टू वीक सिग्नल्स। ऑब्वियसली जो मेरा वीक सिग्नल है उसका जो उसको अगर थोड़ा बूस्ट अप करना है, तो अगर बूस्ट अप करेंगे तो सिग्नल टू नॉइज रेशियो अगर
सिग्नल टू क्वांटाइजेशन नॉइज रेशियो मींस क्वांटाइजेशन नॉइज किसको बोलते हैं बताओ तो कोई हमको लास्ट डे का क्लास में हम डिस्कस किए थे दैट व्हाट डू यू मीन बाय क्वांटाइजेशन नॉइज. क्वांटाइजेशन नॉइज क्या होता है एनीवन व्हाट डू यू मीन बाय क्वांटाइजेशन नॉइज. नो आंसर. पढ़ाई लिखाई घर में हो रहा है कि नहीं हो रहा है. सो क्वांटाइजेशन नॉइज जस्ट अ सेकेंड. क्वांटाइजेशन नॉइज क्या था कि क्वांटाइजेशन में हम लोग बेसिकली क्या करते हैं कि जो मेरा वाई एक्सिस होता है या फिर जो मेरा एम्पलीट्यूड वाला एक्सिस होता है उसको अलग अलग लेवल डिफाइन करते हैं. और क्वांटाइजेशन के टाइम हम लोग क्या बोले थे कि अगर कोई ऐसा सैंपल है जो कि पर्टिकुलरली उस लेवल पे नहीं है तो हम लोग क्या करते हैं कि जो लेवल उसका नियरेस्ट लेवल है उसी लेवल पे उस सैंपल को हम लोग डिफाइन करते हैं. है कि नहीं, यही वाला बताए थे ना. और क्या होता है जब हम लोग सैंपल्स करते हैं, जो सैंपलिंग जब होता है, सैंपलिंग भी अलग अलग टाइप का होता है. एक होता है नेचुरल सैंपलिंग, एक होता है आइडियल सैंपलिंग, और तीसरा था मेरा फ्लैग टॉप सैंपलिंग. तो यहाँ पे फ्लैग टॉप सैंपलिंग का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है या फिर उसका इम्पोर्टेंस है क्योंकि फ्लैग टॉप सैंपल मतलब जो नेचुरल सैंपल्स होते हैं या फिर जो आइडियल सैंपल्स होते हैं उसपे मेरा क्या होता है कि जो सैंपल्स होता है सैंपल्स का जो टॉप पोर्शन होता है उस सैंपल्स का टॉप पोर्शन में क्या है कि अलग अलग उसमें एम्पलीट्यूड होता है. कहीं पे होता है उसका एक स्टार्टिंग पोजीशन, सैंपल का स्टार्टिंग टाइम में उसका एक वैल्यू होता है, सैंपल का एंडिंग टाइम में या फिर जहां पे सैंपल खत्म हो जाता है वहां पे भी एक अलग वैल्यू होता है. तो इस चीज को हम लोग कैसे एनकाउंटर करते हैं, मीन्स अगर ऐसा रहेगा तो हर एक सैंपल्स का कौन से लेवल को वो सेट करे, मतलब अगर उसपे उस पर्टिकुलर टाइप ऑफ सैंपल्स के ऊपर जब अगर हम लोग क्वांटाइजेशन अगर करते हैं तो क्वांटाइजेशन में हम लोग कौन सा लेवल उसको देंगे या फिर कौन से लेवल पे उसको डिफाइन किया जाएगा, ये एक बेसिकली प्रॉब्लम है. तो इस प्रॉब्लम को एनकाउंटर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सैंपल्स का जो टॉप पोर्शन होता है उस टॉप पोर्शन को एक मतलब फ्लैट कर देते हैं. ठीक है, उस टॉप पोर्शन का जो एम्पलीट्यूड होता है उसको एक कॉन्स्टेंट एम्पलीट्यूड रखते हैं. और उसके लिए हम लोग को कौन से सर्किट का जरूरत पड़ता है, उसके लिए जो स्पेशल टाइप ऑफ सर्किट्स का हम लोग को जरूरत पड़ता है दैट इज सैंपल एंड होल्ड सर्किट, जो कि क्या करता है कि सैंपल जब स्टार्ट होता है उस स्टार्टिंग पॉइंट में उस सैंपल का जो एम्पलीट्यूड का वैल्यू होता है उसको वो होल्ड करके रखता है. और कब तक होल्ड करके रखता है, जब तक वो सैंपल खत्म ना हो जाए. थ्रू आउट द टाइम पीरियड ऑफ दैट पर्टिकुलर सैंपल क्या करता है, वो जो पर्टिकुलर सैंपल है उसका जो इनिशिएशन वैल्यू होता है या फिर इनिशियल जो वैल्यू था एम्पलीट्यूड का, उस इनिशियल वैल्यू को वो होल्ड करके रखता है. और जब भी उसको मतलब जब सैंपल टाइम ओवर हो जाता है, जब उसको जीरो मिलता है फिर से, तब वो फिर से रीसेट हो जाता है. और फिर से जब नेक्स्ट सैंपल स्टार्ट होता है तो नेक्स्ट सैंपल का जो स्टार्टिंग वैल्यू होता है उस वैल्यू को वो होल्ड करता है थ्रू आउट द सैंपल टाइम पीरियड. ठीक है, ये है मेरा सैंपल एंड होल्ड सर्किट. और इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ दिस सर्किट वी यूज टू फ्लैटन द टॉप पोर्शन ऑफ ईच एंड एवरी सैंपल्स. ओके, और उससे क्या होता है कि ऑब्वियसली अगर टॉप पोर्शन फ्लैट हो जाता है या फिर एक पर्टिकुलर सैंपल का जो एम्पलीट्यूड है वो एम्पलीट्यूड अगर कॉन्स्टेंट हो जाता है तो उस कंडीशन में हम लोग उसके ऊपर हम लोग का क्वांटाइजेशन करना बहुत इजी हो जाता है. और जब हम लोग क्वांटाइजेशन करते हैं तो क्वांटाइजेशन में मेरा क्या होता है कि हम लोग उसको लेवल डिफाइन करते हैं. और समटाइम्स इट इज पॉसिबल या फिर समटाइम्स ये होता है, यूज टू हैपन दैट जो पर्टिकुलर कोई सैंपल है वो कोई पर्टिकुलर क्वांटाइजेशन लेवल में नहीं आता है. क्योंकि लेवल हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होता है उस मैक्सिमम एम्पलीट्यूड को हम लोग फिक्स करते हैं और उसके रेस्पेक्ट में हम लोग पूरा स्केलिंग प्रोसीड्यूर, स्केलिंग जो है या फिर उसको जो अलग अलग पोर्शन में डिवाइड करने का जो प्रोसीड्यूर है वो हम लोग करते हैं. और जिसी के कारण मेरा क्या होता है, जो नियरेस्ट लेवल होता है उस नियरेस्ट लेवल में उस पर्टिकुलर सैंपल को एलोकेट किया जाता है. और उसके कारण
क्या होता है, ऑब्वियसली जो सिग्नल है ओरिजिनल सिग्नल है, ओरिजिनल सिग्नल में कुछ कुछ चेंजेस आता है, कुछ कुछ डिफॉर्मिटीज होती है, और जिसके कारण जो नॉइज होता है, मतलब ये जो अप्रोक्सीमेशन के कारण जो नॉइज जनरेट होता है, इसको हम लोग बोलते हैं क्वांटाइजेशन नॉइज। ठीक है, तो सिग्नल टू क्वांटाइजेशन नॉइज का जो रेशियो है कोई भी वीक सिग्नल के लिए, इसको हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं विद द प्रोसेस ऑफ कंपाउंडिंग। ओके, ऑब्वियसली अगर सिग्नल्स को, जो मेरा वीक सिग्नल है उसका, उसको अगर हम लोग बूस्टअप करेंगे, तो ये जो SNR है, सिग्नल टू क्वांटाइजेशन नॉइज का जो रेशियो है, ये क्या होगा, इम्प्रूव होगा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे देखो क्वांटाइजेशन नॉइज का जो डेफिनेशन है या फिर इसका जो इक्वेशन है, ये यहाँ पे गिवन है। एक्सक्यूज मी, अच्छा इसको मिटा देते हैं। एक्सक्यूज मी, क्वांटाइजेशन नॉइज इज गिवन बाय, क्योंकि क्वांटाइजेशन नॉइज को हम लोग सिर्फ n से मतलब डिफाइन करते हैं, क्योंकि ये क्वांटाइजेशन नॉइज है, तो यहाँ पे n के साथ सफिक्स q दिए हैं, दैट इज डेल्टा स्क्वायर बाय 12। ठीक है, एंड दिस शोज that in the uniform quantization, once the step size is fixed, the quantization noise power remain constant. Obviously, जो Q square है वो क्या है, step size है। अब अगर step size uniform नहीं है, means in case of non-uniform quantization, अगर ये uniform quantization है तो step size का जो difference है वो क्या हो जाएगा, delta का value जो है वो constant हो जाएगा, and जो नीचे वाला पोर्शन है उसमें क्या है, 12 है, तो 12 भी एक कांस्टेंट टर्म है, तो ऑब्वियसली क्वांटाइजेशन नॉइज जो है, अगर ऊपर नीचे दोनों ही कांस्टेंट है तो एक कांस्टेंट वैल्यू हो जाएगा। बट अगर डेल्टा का जो वैल्यू है, डेल्टा का वैल्यू अगर यूनिफॉर्म नहीं है, मींस इन केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन, तब क्या है, ये जो क्वांटाइजेशन नॉइज पावर क्या है, नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा, मतलब वो कांस्टेंट टर्म नहीं रहेगा। हाउएवर द सिग्नल पावर इज नॉट कांस्टेंट, इट इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ सिग्नल एम्पलीट्यूड, और वो क्या है, उसका जो सिग्नल पावर, ऑल्दो इट्स नॉट कांस्टेंट, इट इज प्रोपोर्शनल किसके साथ है, स्क्वायर ऑफ द सिग्नल एम्पलीट्यूड, सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड है उसका जो स्क्वायर है उसके साथ वो प्रोपोर्शनल है। Hence the signal power will be small for weak signal, but quantization noise power is constant. So for the weak signal क्या है, उसका जो power है वो बहुत कम होगा, although the signal तुम्हारा जो quantization noise का जो power है वो constant रहेगा। Therefore the signal to quantization noise for the weak signal is very poor. वीक सिग्नल के लिए ये जो क्वांटाइजेशन नॉइज का जो वैल्यू है, सिग्नल टू क्वांटाइजेशन नॉइज का जो रेशियो है वो बहुत, उसका वैल्यू बहुत कम आता है, एंड दिस विल अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ द सिग्नल, द रेमेडी इज द कंपाउंडिंग। ओके, और इसी जो सिग्नल टू नॉइज रेशियो है या फिर सिग्नल टू क्वांटाइजेशन नॉइज जो का जो रेशियो है उसको इम्प्रूव कराने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि उसको कंपाउंडिंग के जो प्रोसेस है उसके थ्रू जाते हैं। एंड कंपाउंडिंग इज अ टर्म डिराइव्ड फ्रॉम द टू वर्ड्स कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन एज अंडर। तो थोड़ा देर पहले ही हम इस चीज को बताया कि कंपाउंडिंग जो है, कंपाउंडिंग का जो प्रोसेस है वो दो वर्ड्स, इट कंसिस्ट ऑफ टू वर्ड्स, वन इज कंप्रेशन एंड सेकेंड वन इज एक्सपेंशन और एक्सपेंडिंग। ठीक है, In practice, it is difficult to implement the non-uniform quantization because it is not known in advance about the changes in the signal level. Therefore, a particular method is used. तो basically क्या है कि ये जो मेरा मतलब quantization है, ये quantization मेरा uniform हो रहा है कि non-uniform हो रहा है,
इसको हम लोग इनिशियली या फिर पहले से इसको हम लोग नहीं जान सकते हैं, ये एडवांस में इसको प्रेडिक्ट करना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं इररेस्पेक्टिव ऑफ द थिंग कि मतलब कोई भी सिग्नल को जब ट्रीट किया जाता है, कोई भी सिग्नल को जब प्रोसेस किया जाता है, तब इररेस्पेक्टिव ऑफ द कंडीशन कि ये मेरा मतलब यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन है या फिर नॉन यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन है, कुछ पर्टिकुलर मेथड्स के थ्रू इसको पास किया जाता है या फिर कोई कुछ पर्टिकुलर मेथड्स इसके ऊपर अप्लाई किया जाता है. ओके, द वीक सिग्नल्स आर amplified and strong signals are attenuated before applying them to a uniform quantizer. तो कोई भी uniform quantizer के ऊपर उसको apply करने से पहले जो मेरा weak signal होता है उसको ज्यादा boost up किया जाता है और जो मेरा strong signals होता है उसको attenuate किया जाता है, means उसको थोड़ा कम boost किया जाता है. This process is called as compression and the block that provides it's called the compressor. और जो block या फिर जो supporting circuitry के through इसको हम लोग ये जो कंप्रेशन का जो प्रोसेस है इस प्रोसेस को हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं कंप्रेसर. एट द रिसीवर एग्जैक्टली ऑपोजिट थिंग इज फॉलोड व्हिच इज कॉल्ड एज एक्सपेंशन. तो ऑब्वियसली कोई भी सिग्नल को जब हम लोग मतलब क्या बोलेंगे ट्रांसमीटर एंड में जो भी प्रोसेसेस के थ्रू हम लोग जो भी प्रोसेसेस उसके ऊपर हम लोग अप्लाई करते हैं एट द रिसीवर हम लोग क्या करते हैं उसका जो एग्जैक्ट ऑपोजिट प्रोसेस है उस एग्जैक्ट ऑपोजिट प्रोसेस को हम लोग फॉलो करते हैं. ओके, तो जब हम लोग ये एग्जैक्ट ऑपोजिट प्रोसेस को हम लोग फॉलो करते हैं तो वो जो ऑपोजिट प्रोसेस होता है ऑफ द कंप्रेशन ऑफ द कंप्रेशर वो ऑपोजिट प्रोसेस है मेरा एक्सपेंशन. ठीक है, एंड कंप्रेशन द कंप्रेशन ऑफ सिग्नल एट द ट्रांसमीटर एंड एक्सपेंशन एट द रिसीवर इज कंबाइंड टू बी कॉल्ड एज कंपाउंडिंग. ऑब्वियसली द प्रोसेस ऑफ कंपाउंडिंग ऑफ ए ब्लॉक डायग्राम शो, ये है मेरा कंपाउंडिंग का प्रोसेस जिसमें हम लोग क्या करते हैं पहले इनपुट देते हैं टू द कंप्रेसर, उसके बाद एक यूनिफॉर्म कंटेनर के थ्रू उसको पास कराते हैं और उसके बाद उसका एक्सपेंशन होता है और एक्सपेंशन के बाद यह कंपाउंडिंग का एक मॉडल है. बेसिकली कंपाउंडिंग में ये सारा प्रोसेस हम लोग करते हैं. ओके, नाउ कंप्रेसर कैरेक्टरिस्टिक्स. कंप्रेसर का अगर कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे तो बेसिकली यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाया गया है जिसमें क्या है वही है कि जो मेरा स्ट्रॉन्ग सिग्नल होता है वो स्ट्रॉन्ग सिग्नल का स्मॉलर गेन दिया जाता है और जो मेरा वीक सिग्नल होता है उसको एक हाइयर गेन दिया जाता है. देखो इसमें भी वही बोला गया है, इन द फिगर ऑफ द कंप्रेशन कैरेक्टरिस्टिक्स वी कैन सी दैट द कंप्रेशन प्रोवाइड्स अ हाइयर गेन टू द वीक सिग्नल्स एंड स्मॉलर गेन टू द स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स एंड दस वीक सिग्नल्स आर आर्टिफिशियली बूस्टेड टू इम्प्रूव द सिग्नल टू क्वांटाइजेशन नॉइज रेशियो. ऑब्वियसली तो कंप्रेशन का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है या फिर जो वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम लोग देखेंगे तो वो कुछ इस तरीके से देखने में मिलेगा हमको. सी जो मेरा वीक सिग्नल है ये है मेरा कंप्रेसर का इनपुट, ये है मेरा कंप्रेसर का आउटपुट. देखो तो यहाँ पे जो इनपुट में अगर हम लोग वीक सिग्नल दिए हैं इसका एम्पलीट्यूड अगर कम है तो इसका जो कंप्रेसर का जो आउटपुट है वो हाई है. देखो इसका एक्स एक्सिस ये अगर पॉइंट को ले लेते हैं तो इसका जो एक्स एक्सिस है वो छोटा है और वाई एक्सिस जो है वो बड़ा है. वेयर एज ये जो वीक सिग्नल्स है जो ये मेरा स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स है स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स का अगर देखेंगे तो इसका अगर वाई और एक्स दोनों एक्सिस में अगर हम लोग देखेंगे देखते हैं हम लोग तो इस पॉइंट से अगर हम लोग दो लाइन ड्रॉ करेंगे ये हो गया मेरा एक्स एक्सिस के ऊपर और ये हो गया मेरा वाई एक्सिस के ऊपर और इसके लिए दिस इज फॉर द वाई एक्सिस और ये हो गया मेरा एक्स एक्सिस. तो देखो यहाँ पे क्या है फॉर द स्ट्रॉन्ग सिग्नल, स्ट्रॉन्ग सिग्नल में इसका आउटपुट और इनपुट में क्या है फिर भी एक सिमिलैरिटी है, उसका जो डिफरेंस है वो कम है. लेकिन इसका अगर ले लेते हैं अगर सेम चीज को हम लोग यहाँ पे देते हैं like this
इसका डिफरेंस कितना है यहाँ पे, अब इसको अगर यहाँ पे लेते हैं तो कितना पोर्शन हो रहा है इतना, लेकिन अगर ये वाला इतना दूर का है तो देखो ये दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है दोनों कलर्स का, कि देखो यहाँ पे क्या है, ये जो रेड वाला लाइन है ये आउटपुट है और जो वायलेट वाला लाइन है वो इनपुट है, और यहाँ पे भी सेम है, तो यहाँ पे आउटपुट और इनपुट के बीच में जो डिफरेंस है वो काफी ज्यादा है कंपैरेटिवली टू दिस। तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो मेरा वीक सिग्नल है वो वीक सिग्नल को ज्यादा बूस्ट किया गया है, और जो मेरा हाई गेन सिग्नल है या फिर जो मेरा स्ट्रॉन्ग सिग्नल है उसको कम बूस्ट किया गया है या फिर उसको कम गेन प्रोवाइड किया गया है। तो यही काम होता है मेरा कंप्रेसर का, और उससे क्या होता है जो क्वांटाइजेशन नॉइज है उस क्वांटाइजेशन नॉइज को हम लोग कम कर सकते हैं। जो मेरा क्वांटाइजेशन नॉइज है, क्वांटाइजेशन नॉइज का जो सिग्नल टू क्वांटाइजेशन नॉइज है, सिग्नल टू क्वांटाइजेशन नॉइज का लेवल जो है उसको हम लोग कम कर पाए हैं बाय दिस प्रोसेस। ओके, सो क्लियरली वी कैन सी दिस इन द कंप्रेसर कैरेक्टरिस्टिक्स। वेट, ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, एक्सपेंशन का कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। It may be noted that its compressor characteristics has been shown only for the positive input signals, but we can draw it even for the negative inputs. यहाँ पे खाली positive input signals के लिए draw किया गया है, although it is possible to draw for the negative inputs also. In fact, the compressor is included at the PCM transmitter. PCM transmitter जो है मेरा pulse code modulation का जो transmitter है, उसपे हम लोग ये वाला जो portion है या फिर जो compressors है उसको हम लोग include करते हैं हमेशा। Now expander characteristics, देखो इसका जो characteristics है ये totally opposite है, ठीक है। हम लोग क्या बोले थे, जो एक्सपेंशन जो होता है सॉरी जो कंप्रेशन जो होता है, कंप्रेशन में अगर हम लोग वीक सिग्नल को ज्यादा बूस्ट किए हैं और जो मेरा स्ट्रॉन्ग सिग्नल है उसको हम लोग कम बूस्ट किए हैं, तो ऑब्वियसली इन द एक्सपेंडर हम लोग क्या करेंगे, एक्सपेंडर जो होता है फर्स्ट ऑफ ऑल वो होता है मेरा रिसीवर साइड में, और एक्सपेंडर जो होता है वो एग्जैक्टली ऑपोजिट काम करता है, एग्जैक्टली ऑपोजिट बिहेवियर है उसका। किसके एग्जैक्टली ऑपोजिट, कंप्रेसर का जो बिहेवियर है उसका एग्जैक्टली ऑपोजिट बिहेवियर है। मींस वो क्या करता है, जो मेरा स्ट्रॉन्ग सिग्नल है या फिर हाई गेन जो होता है उसको वो मतलब फिर से उसको वो एग्जैक्टली ऑपोजिटली वो उसको ट्रीट करता है। तो देखो क्या, तो इसीलिए जो मेरा एक्सपेंडर का कैरेक्टरिस्टिक्स होगा वो उसमें क्या होगा, जो लो गेन सिग्नल और हाई गेन सिग्नल का उसका जो ट्रीटमेंट होगा वो भी उसका ऑपोजिट होगा। सो द एक्सपेंडर कैरेक्टरिस्टिक्स इज एग्जैक्टली द इनवर्स ऑफ द कंप्रेसर कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, एंड दिस इंश्योर्स दैट ऑल द आर्टिफिशियली बूस्टेड सिग्नल्स बाय द कंप्रेसर आर ब्रॉट बैक टू देयर ओरिजिनल एम्पलीट्यूड्स एट द रिसीवर एंड। ओके, जो उसका जो ओरिजिनल एम्पलीट्यूड है उस पे उसको फिर से लाया जाता है, एंड दिस इज द एक्सपेंडर आउटपुट, दिस इज द एक्सपेंडर इनपुट। इनपुट आउटपुट में यहाँ पे अगर देखेंगे तो फिर से इसका रेशियो को अगर हम लोग देखेंगे, सो लेट्स सी यहाँ पे भी क्या है, दिस इज माय इनपुट एंड दिस इज माय आउटपुट। मतलब जिसको इस पॉइंट के लिए, दिस इज माय आउटपुट एंड दिस इज इनपुट। यहाँ पे देखो ठीक उल्टा है, अगर इसको हम लोग लेते हैं लाइक दिस तो ये साइज है, तो देखो ये इससे बड़ा है जो कि पहले बड़ा था एक्चुअली में, और यहाँ पे भी सेम है, देखो वैसा ही था। तो हम लोग देख सकते हैं कि एक्सपेंडर कैरेक्टरिस्टिक जो है दैट इज एग्जैक्टली ऑपोजिट टू द कंप्रेसर कैरेक्टरिस्टिक्स,
और एक्सपैंडर क्या करता है, जो सिग्नल और नॉइस का बीच में जो जो रेशियो था उसको जो वो नॉर्मलाइज करने के लिए उसके ऊपर जो सारा ट्रीटमेंट्स करता है कंप्रेसर, एक्सपैंडर क्या करता है उसका एग्जैक्टली ऑपोजिट काम करता है. ओके, तो दिस इज अबाउट ऑल अबाउट द प्रोसेस ऑफ कंपाउंडिंग. सो अच्छा, तुम लोग अटेंडेंस दिए हो आज का? आज का अटेंडेंस मॉड्यूल में चढ़ा है कि नहीं चढ़ा है? चढ़ाए हो? Now we will discuss about the different types of compressor characteristics. तो देखो, these are the different. तो basically ये जो compressor का characteristics है, 12 बजे तक सबको ही मॉड्यूल में घुस के अपना अपना अटेंडेंस दे देना. ओके, मॉड्यूल में मॉड्यूल बनाया हुआ है. सो डिफरेंट टाइप ऑफ कंप्रेसर कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में अगर हम लोग देखेंगे तो बेसिकली यहाँ पे दो टाइप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में या फिर दो टाइप ऑफ कंपाउंडिंग लॉ है. एक है म्यू लॉ कंपाउंडिंग, एक है ए लॉ कंपाउंडिंग. ठीक है, सो आइडियली वी नीड अ लीनियर कंप्रेसर कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर स्मॉलर एम्पलीट्यूड्स ऑफ द इनपुट सिग्नल एंड लॉगरिथमिक कैरेक्टरिस्टिक्स and a logarithmic characteristics elsewhere. This can achieved by using two methods, that is mu law compounding and a law compounding. Okay, दो अलग अलग laws है, एक होता है mu और एक होता है a law compounding. तो पहले mu law compounding अगर देखते हैं, in the mu law compounding the compressor characteristics is continuous and it is approximately linear for smaller values of the input levels and logarithmic for the higher values of the input levels. ठीक है, तो बेसिकली क्या है कंपाउंडिंग में, तो हम लोग करते हैं दो चीज जो, हाँ कोई कुछ बोल रहे हो, कोई कुछ बोल रहे हो अभिषेक गुंजन? अभिषेक गुंजन कुछ बोल रहे हो क्या? ओके, सो पहले क्या है कि कंपाउंडिंग का जो प्रोसेस है उसमें हम लोग क्या करते हैं, कंपाउंडिंग का प्रोसेस में हम लोग बेसिकली जो मेरा लो सिग्नल्स है या फिर लो एम्पलीट्यूड का जो सिग्नल्स है, उस लो एम्पलीट्यूड का सिग्नल्स को हम लोग ज्यादा बूस्ट अप करते हैं और जो हाई एम्पलीट्यूड का सिग्नल्स है उसको हम लोग कम बूस्ट करते हैं. तो बेसिकली हम लोग बोल सकते हैं कि जो मेरा स्मॉलर वैल्यूज है इनपुट लेवल्स का उस वो क्या होता है कि लीनियरली इंक्रीज करेगा और जो लॉगरिथमिक वैल्यू मतलब हायर जो वैल्यूज है वो लॉगरिथमिक वे में वो इंक्रीज करेगा. तो उसके लिए मैथमेटिकल जो एक्सप्रेशन है दिस वाज लाइक दिस. ठीक है, ये होता है फॉर द म्यू लॉ कंप्रेसर कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है दिस इज लाइक दिस. जहां पे क्या है एक्स का जो वैल्यू है एक्स वाई एक्स मैक्सिमम का जो वैल्यू है वो जीरो और वन के बीच में लाई करता है and zx represent the output and x the input of the compressor. ठीक है, x का जो function है वो function क्या है, वो है मेरा input जो दे रहे हैं वो, और जो zx है जो output, compressor का जो output है उसका function है zx, and the normalized value of input where with respect to maximum value of x max. Obviously, क्या है जो मेरा इनपुट है, इनपुट का ये मैक्सिमम वैल्यू है एक्स मैक्स, और जो एक्स बार है वो उसका नॉर्मलाइज्ड वैल्यू है, और ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आउटपुट्स के लिए ही है. द म्यू लॉ कंप्रेसर कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ म्यू हैज बीन शोन इन द फिगर. यहाँ पे हम लोग इसका कैरेक्टरिस्टिक्स अगर देखेंगे तो ये म्यू का अलग अलग वैल्यू के लिए है. ठीक है, ये एक नेचुरल है, ये इस साइड में है, ये आउटपुट अगर नॉर्मलाइज्ड, और जिसका ये जो वाई एक्सिस है वाई एक्सिस में है मेरा नॉर्मलाइज्ड आउटपुट और एक्स एक्सिस में है मेरा नॉर्मलाइज्ड इनपुट. ओके, सो
In practically, the practically used value of mu is 255. Normally जो mu का value होता है उसको हम लोग 255 लेते हैं and it may be noted that the characteristics compounding to mu zero correspond to the uniform quotation और ये जो laws है वो basically uniform quotation के लिए use होता है. The mu law compounding is used for speech and music signals and it is used for PCM telephone system in United States, Canada and Japan. तो mu law जो है mu law basically use होता है United States में, मतलब अमेरिका में, कनाडा में और जापान में. ओके okay? ये जो अलग अलग लॉज है बेसिकली वो अलग अलग वैल्यूज है, मतलब अलग अलग थियोरीज है जो कि अलग अलग कंट्रीज में यूज होता है. उस सारी चीज को हम लोगों को खाली याद रखना है. और ये है कि mu law compounding यूज करके हम लोग सिग्नल का लेवल को कैसे डिफाइन कर सकते हैं. ये है मेरा इनपुट सिग्नल, ऑब्वियसली साइड में होगा मेरा आउटपुट सिग्नल. दिस इज द विथ कंपाउंडिंग एंड विदाउट कंपाउंडिंग. देखो हम लोग क्या बोले थे, विथ कंपाउंडिंग मेरा क्या होगा कि जो स्मॉलर सिग्नल्स वैल्यूज है वो भी इतना बूस्ट अप होगा और जो हायर सिग्नल वैल्यू है वो भी अटेन्यूएट होके इस लेवल पे आ जाएगा. तो विथ कंपाउंडिंग सिग्नल का जो क्या बोलेंगे, जो गेन होगा वो एक इक्वल गेन होगा ऑलमोस्ट. और विदाउट कंपाउंडिंग क्या है, इसका जो गेन है देखो ये कंटिन्यूअसली, ये स्मॉल सिग्नल के लिए है ये पोर्शन उसका स्ट्रॉन्ग सिग्नल के लिए या फिर बिग सिग्नल के लिए या फिर हायर एम्पलीट्यूड सिग्नल्स के लिए है. और जब हम लोग उसको कंपाउंडिंग कर देते हैं तो जो सिग्नल का लेवल होता है वो एक ऑलमोस्ट कांस्टेंट लेवल में पहुंच जाता है. ओके सो इन द अबव फिगर द वेरिएशन हम लोग देख सकते हैं. ये वाला पोर्शन थोड़ा रीडिंग मार लेना, वो खाली दिखाया गया है. नाउ ए लॉ कंपाउंडिंग. The most important difference between two types of compressor is that A law compressor has a mid rise at the origin, whereas the mu law compressor had mid fret at the origin. Thus, the A law compressor has no zero values. Mid rise में क्या होगा? Mid rise और mid fret हम लोग बताए थे. Mid rise में थोड़ा हम draw करके तुम लोगों को फिर से थोड़ा याद दिला देते हैं. जो मेरा mid rise था, उसमें क्या था? जो मेरा सिग्नल स्टार्ट होता था वो यहां से स्टार्ट होता था लाइक दिस. यहां से स्टेप साइजेस जो था वो यहां से होता था शुरू. ये था मेरा मिड राइज. और जो मेरा मिड थ्रेड था, मिड थ्रेड क्या था? मिड थ्रेड में इस तरीके से होता था. लाइक दिस. ठीक है, तो जो ग्रीन वाला है वो है मिड थ्रेड और जो वायलेट वाला है वो है मिड राइज. और मिड राइज के लिए क्या होता है, ए लॉ कंपाउंडिंग का हम लोग यूज करते हैं. और जो मिड थ्रेड होता है उसके लिए हम लोग म्यू लॉ कंपाउंडिंग का यूज करते हैं. तो ए लॉ कंपाउंडिंग में हम लोग देख सकते हैं ऑब्वियसली जो वायलेट वाला है वो अगर मिड राइज है तो उसका जो एम्पलीट्यूड का वैल्यू है वो कभी जीरो से स्टार्ट नहीं होगा. ऑल्दो जो हम मेरा म्यू लॉ कंपाउंडिंग है जो कि हम लोग मिड थ्रेड के लिए यूज करते हैं वहां पे जीरो से स्टार्ट होता है. कि हम लोग इसका मतलब क्लियरली ये चीज हम लोग देख सकते हैं. ओके सो इन ए लॉ कंपाउंडिंग द कंप्रेसर कैरेक्टरिस्टिक इज पीस वाइज मेड अप ऑफ लीनियर सेगमेंट ऑफ इनपुट सिग्नल्स और इनपुट लेवल. तो ये है मेरा मिड थ्रेड जिसपे यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं एक अलग अलग वैल्यू के लिए इक्वल्स टू 1, 2 एंड दिस इज 87.56. ओके ये अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे कंपाउंडिंग कैरेक्टरिस्टिक्स. तो कंप्रेसर कैरेक्टरिस्टिक्स दीज आर द ए लॉ कंप्रेसर. तो अबव फिगर शो दैट द ए लॉ कंप्रेसर कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ ए corresponding to equals to 1, we observe that the characteristics in linear is linear which compounds to a uniform quantization
लीनियर है, मीन्स वहां पे यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन है, बट प्रैक्टिकली वी यूज द वैल्यू ऑफ ए इज 87.56. यहाँ पे प्रैक्टिकली जो ए का वैल्यू हम लोग लेते हैं वो 87.56 है. एंड ये हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं, जहाँ पे टेलीफोन सिस्टम है यूरोप में, वहां पे दिस टाइप ऑफ कंपाउंडिंग वी यूज टू डू. एंड द लीनियर सेगमेंट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर द लो लेवल इनपुट, वेर एज द लॉगरिथमिक सेगमेंट इज फॉर द हाई लेवल इनपुट. और जो सेम था है वहां पे भी लो लेवल और हाई लेवल के लिए एक जगह लीनियर और दूसरी जगह लॉगरिथमिक इनपुट्स हम लोग यूज करते हैं. ठीक है, तो फॉर वॉइस सिग्नल्स द टिपिकल